केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई। और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे, ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए। तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेम्बर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। मैंने ऑडिशन लिया, मैंने लेकिन जो लड़कियां हैं अच्छी या लड़के हैं अच्छे सिर्फ कॉन्टेक्ट्स वाले ही हैं, तो क्या मेरा कसूर है? अगर टैलेंट और अच्छे लुक्स और ये सिर्फ अगर फिल्म इंडस्ट्री में ही हैं और इनको मेरा एक्सेस और मैं बहुत लकी हूँ, तो क्या मेरा कसूर है? तो अब इसमें मुझे ऑब्जेक्टिविटी कम और एक तरह की ब्रेन वॉशिंग ज़्यादा लगती है, जो कि ये इंग्लिश बोलने वालों ने जो इंग्लिश एटीट्यूड है ना कि इंस्टिल इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या इंडस्ट्री सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है एक स्टूडियो की में, दो स्टूडियो में, या जितना भी टेलीविजन इंडस्ट्री है, जितना भी फैशन इंडस्ट्री है, जितना भी फिल्म इंडस्ट्री है, क्या ये चार खानदानों से चल रही है? जितना टैलेंट, जितना जो भी आर्टिस्ट हैं, हमारा जो इंडिया है टर्न आउट कर रहा है, उनको सबको आपने एक मिनट में गिरा दिया कि है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। ये तो झूठ है, ये झूठ है। ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो बच्चों ने बचपन से ही, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बचपन से ही एक ऑडिशन की तैयारी की हो, फाइटिंग क्लासेस, डिक्शन क्लासेस, हेयर क्लासेस, स्किन क्लासेस, ऑब्वियसली इट विल मेक एन इम्पैक्ट। जब वो अपने फर्स्ट ऑडिशन के लिए जाएंगे, इट विल मेक एन इम्पैक्ट, दे विल स्टैंड आउट। उनकी जर्नी हो सकता है थोड़ी ईजी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दूसरों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। वो 10 साल बाद ये दो कमाल के एग्जाम्पल बैठे हैं। हाँ, हम लोगों ने मे बी 10 साल बाद सक्सेस मिलेगा उनको, लेकिन ये कहना गलत है कि देर इज नो चांस, ये झूठ है। और अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी इन फिल्मी फैमिली से आने वाले बच्चे हैं, वो अपने प्रिविलेजेस को ना समझ के, वो अपने जितने भी उनको गाइडेंस मिलती है उसकी महत्वता ना समझ के हमेशा कहते हैं हम पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारे पास ऑडियंस होती हैं, हमारा क्रिटिसिज्म करने के लिए लोग खड़े होते हैं। आपको जानते हैं, आप जानते हैं 10 साल लगते हैं ऑडियंस कमाने में। To be a nobody is the worst thing in this world. तो आप स्टार्ट वहां से करते हैं, आपकी ऑडियंस होती है, आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए?